जय हिंद दोस्तों, टेक्निकल बिट्टू फोन में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज एक कस्टमर मेरे पास फोन लेके आया है। इसका फोन ऊपर से बहुत गर्म हो रहा है, इस साइड से टॉप साइड से इसका फोन बहुत गर्म हो रहा है। और मुझसे काफी लोगों ने कमेंट में भी पूछा है कि भाई फोन मेरा बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो इसकी टॉप साइड से ना अगर आपका फोन भी गर्म होता होगा ना, अभी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे फोन फट जाएगा। तो इस फोन का सोल्यूशन करता हूँ, आपके सामने करूंगा, ठीक है। सारे बंदों की कमेंट भी ऐसी आई है कि भाई मेरा फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है और बैटरी भी जल्दी ड्रेन हो रही है। कहने का मतलब बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है बहुत जल्दी। आज आपको इसका सोल्यूशन दूंगा। और कस्टमर लेके आया है, इससे कोई किसी ने पैसे मांगे, कहा कि पावर आईसी खराब है इसकी और इसकी पावर आईसी डलेगी, इसमें लगेंगे 1000 रुपये। अभी 1000 रुपये का तो फोन भी नहीं है। अब कस्टमर बता रहा है कि उसने करवाया नहीं, फिर वो मेरे पास ले आया है सीधा। अभी इसमें बैटरी 10% है, तो वो कह रहा है बैटरी बहुत जल्दी पी जाता है और ये गर्म हो रहा है, वाकई गर्म हो रहा है। ऊपर से डिस्प्ले बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। अगर आपका फ़ोन भी गर्म हो ना, तो बस यही सोल्यूशन करना जो मैं बता रहा हूँ आपको। वीवो के फ़ोन में और ओप्पो के फ़ोन में भी सेम ही दिक्कत होती है, सेम ही। देखो 9% हो गई बैटरी, है ना। चलो इसको जल्दी से खोलते हैं। ओ माई गॉड, इसमें तो काम कर रखा कुछ भाई, आएगा थोड़ा सा मज़ा वीडियोज़ में। इस पे काम कर रखा है इसकी पावर आई से भी। ये होते हैं जो अनाड़ी बंदे होते हैं ना, मैं अक्सर बोलता हूँ ना वीडियोज़ में कि भाई अनाड़ी बंदों को मत दिखाया करो, अनाड़ी बंदों को पहचानने की मैंने वीडियोज़ भी आपके लिए बना रखी है भाई, उन्हें पहचान भी तो लिया करो। तो चलिए खैर छोड़ते हैं, जिसने जैसा काम किया और जिसमें जितनी अकल थी उसने उतना अपना काम कर दिया। ये है कि कस्टमर का फ़ोन इसने छेड़ा हुआ, और कस्टमर मुझे बोल रहा था कि इसने कुछ कराया नहीं है। कस्टमर तो देखिए थोड़ी बहुत एक शर्म करता है कि कहीं ये ना हो जाए कि ज़्यादा पैसे मांग लिए जाएं, इसलिए वो छुपाता है इस चीज़ को कि मैं ये बोलूँगा कि कहीं नहीं दिखाया मैंने, सिर्फ आपके पास लेकर आया। यही इस कस्टमर ने बोला मुझे। इसके एक तो कैपेसिटर गायब कर रखा है इसका, शॉर्टिंग वो सोच रहा होगा जो दुकान वाला था कि हो सकता है सेट के अंदर शॉर्टिंग हो या पावर सी के अंदर शॉर्टिंग हो। उसने इसका कैपेसिटर हटा दिया यहाँ से और इसका छोटा कैपेसिटर भी हटा दिया। चलिए कोई बात नहीं, देखो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, आप घर पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपका फ़ोन गर्म हो ना कभी भी अचानक से गर्म होने लगे, तो देखिए सोल्यूशन देता हूँ। अच्छा एक फ़ोन और रखा है मेरे पास, इसी हीटिंग की प्रॉब्लम बता दूँ आपको। देखो आपके पास भी ऐसा फ़ोन है ना कोई जो साइड माउंटेड, जिसका फिंगरप्रिंट होता है ना, देखिए साइड में इसका फिंगरप्रिंट है। ये इस सोल्यूशन के लिए आया है मेरे पास कि ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है ना, इस पर उंगली रखते हैं ना बहुत गर्म होता है, ये बहुत गर्म। जैसे सेट ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद ये फिंगरप्रिंट है ना साइड वाला, इस पे उंगली टच करते हैं तो बहुत गर्म हो जाता है इस साइड का हिस्सा। फिंगरप्रिंट इतना तेज गर्म होता है, उंगली भी नहीं रखी जाती इस पे। तो इसका जो सोल्यूशन होता है ना, वो ये होता है कि इसका पत्ता आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, बस ये वाला फिंगरप्रिंट का, इसे खोल के और इसका फिंगरप्रिंट का पत्ता डिस्कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर कोई कागज लगा दीजिए, उसके बाद इसे पैक कर दीजिए, दोबारा गर्म नहीं होगा। ठीक है, आपके लिए ये सोल्यूशन है घर पे। बाकी दुकान वालों को ये सोल्यूशन है कि ये फिंगरप्रिंट जो होता है ये वाला सेंसर, ये चेंज कर दें वो। ठीक है, ये भी इसी कंडीशन में मेरे पास आया था, ये साइड से गर्म हो रहा था, तो इसका मैं फिंगरप्रिंट डाल दूंगा तो ये ठीक है। सबसे पहले आपको बैटरी का पत्ता रिमूव कर देना है, ठीक है, मतलब करंट ख़त्म कर देना बोर्ड के अंदर से। ये इस बंदे ने जितना दिमाग था ना इसने लगा लिया, जो मोबाइल रिपेयर वाला जो पहले वाला था ना, जिसके पास से कस्टमर लेके आया फोन, जो 1000 रुपये मांग रहा था शेर का पट्टा, उसके दिमाग में ये बात आई नहीं कि उसे करना क्या है। ये खोला, आई होप कि इसने वहाँ दिमाग नहीं लगाया होगा जहाँ मैं अभी लगाने वाला हूँ। एक नट और रह गया यार। चलो ये शुक्र है कि बंदे ने फ़ोन तो डेड नहीं किया, वरना फ़ोन डेड करके दे देते हैं अनाड़ी बंदे कि अब नहीं होगा, ये कंफर्म ठीक हो जाएगा। बताऊँ कैसे, देखिए जो 6 पॉइंट दिख रहे हैं ना ये सेंसर के, जो मोबाइल वाला हो ना भाई रिपेयर वाला, वो भी सुन ले भाई, ये सोल्यूशन है इस चीज़ का। ठीक है, ऐसे बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं किसी को कि भाई 1000 रुपये लगे 2000 रुपये लगे, ऐसे नहीं। इसके लिए कागज़ का टुकड़ा ले लो, छोटा सा कागज़ का टुकड़ा, उसको इस तरीके से काट लो। फ़ोन का बाप भी गर्म नहीं होगा भाई साहब, ये कर लेना ये काम, दोबारा गर्म हो जाए तो मुझे बता देना। फिर एक कागज़ का टुकड़ा लेना, बस यही काम है इसका। देखो जो 6 पॉइंट दिख रहे हैं ना ये फिंगरप्रिंट, ये सेंसर वाले, ये कॉलिंग सेंसर होता है, ये आपका शॉर्ट हो रखा कॉलिंग सेंसर। ठीक है, यहाँ कागज़ क्यों लगा रहा हूँ, उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे हम। अभी 6 के 6 पॉइंट पे हमने ऐसे कागज़ रख दिया, उसके बाद इस बोर्ड को रख दीजिए। अब इसको आप ऐसे रख दीजिए, अच्छा वो रखने के बाद ना, अब देखिए इसका बैटरी का पत्ता टच कर दीजिए, कुल भी गर्म नहीं होगा भाई साहब बिल्कुल भी। और इसका अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताऊँ ना, अगर आप वीडियो में रुके हुए हो ना, तो आपको एक बात और बताता हूँ। बैटरी कितनी देखी थी आपने, हमने देखी थी 9 या 10% है ना, 10% थी मेरे ख्याल से, देखेंगे कि बैटरी कितनी होगी। अगर 10% से ज़्यादा बड़ी हुई मिली हमको बैटरी, मतलब 10% से ज़्यादा बैटरी हुई, तो समझ जाना कि फिर मैं जो हाथ लगा के दिखा रहा हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, फिर ये फ़ोन गर्म नहीं हो रहा। अगर 10% से ज़्यादा बड़ी हुई मिली तो, देखो ऑन होने से पहली बात कर रहा हूँ मैं आपसे, है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो एक मिनट, ऑन तो हो गया। अब देखो 19% दिखाई दी इसने,
अब ये ओके हो चुका है बिल्कुल ही, और ना तो ये बैटरी चूसेगा और बैटरी बढ़ेगी भी, और गर्म भी नहीं हो, गर्म तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अब आप अगर ये सोचो ना कि भाई क्या पता, हमें क्या पता गर्म हो रहा नहीं हो रहा, तुम हाथ लगा रहे हो, तो आपके पहचानने का तरीका बस यही है कि यहाँ पे 10% थी ना जब बैटरी, अब ये 19% आ गई है। अब ये कहीं भी बैटरी चूस नहीं रहा इसका मदरबोर्ड, ठीक है, वो बैटरी चूस रहा था इसका सेंसर। सेंसर पर आप बताता हूँ दिक्कत क्या आई, इस सेंसर पर एक दो बूंद पानी चला गया है, जहाँ सेंसर होता है कूलिंग सेंसर, उस पर एक दो बूंद पानी चला गया और वो हो गया शॉर्ट, और शॉर्ट हो जाएगा ना तो फिर यही काम करेगा वो, ठीक है, वो बैटरी पिएगा, उसके बाद आपकी पावर आईसी को गर्म करेगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे बिना कहीं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपके पास कोई भी क्वारी हो तो मुझसे कन्फर्म कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, पूछने में कोई शर्म नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। बहुत सारे दुकान वाले धोखाधड़ी का काम करते हैं आज के टाइम पे, और आपको अगर नॉलेज होगी ना तो फिर कोई बंदा कुछ कर नहीं सकता। हो सकता है आप ना कर पाओ इस काम को, तो आप है ना किसी दुकान पे जाके बोल सकते हो कि भाई सेंसर को डिस्कनेक्ट कर दे, कूलिंग सेंसर को, तो अपने आप समझ जाएगा कि बंदे को नॉलेज है, और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 रुपये या 100 रुपये इतने लेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं लेगा, है ना, खोल के करने के इतने ही पैसे लेगा। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप करवा भी सकते हैं कहीं जाके। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत।